Hey guys, good morning. Jai Jagannath and welcome back to my channel. Oh god. Oh my god. क्या दिख रहा है क्लाउड ग्लू? Oh my god. क्या दिख रहा है? इधर आओ, इधर आओ, चलो देखते हैं. राधे 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 राधे. ओ माय गॉड, ओ बाप रे बाप. क्लाउड ही क्लाउड. वो क्लाउड क्या भाग रहे हैं देखो तो. ना भाग रहे हैं क्लाउड. देखो, ओ बाप रे गुलू. बाहर अभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा पकोड़ा बना दिया. आज मूढ़ी तो होता ही है हम लोगों का घर में, तो मूढ़ी और पकोड़ा और थोड़ा सा मिक्सचर देके हम लोग खा लेंगे. तो देखिए अभी तो थोड़ा सा बारिश कम हो गया है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ बाप रे, यहाँ पे पूरा बालकनी मेरा गीला गीला हो गया. और जो पापोच है ना वो भी बाहर, डोरमेट जो होता है इधर, तो वो भी बाहर रह गया, तो वो भी गीला हो गया है ये. तो चलिए संभालती हूँ. मेरा ट्राईपोड भी इधर ही रह गया, गीला हो गया है वो भी. सबने अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है. पंकज ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चले गए, गोलू अपना टीवी देख रही है और मैं यहाँ बालकनी में आई हूँ. मैं यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी. सुबह सुबह यहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई थी, इतनी तेज हवा चल रही थी. अभी देखिए अभी 9:30 बज गया है, कितनी धूप आ चुके है यहाँ पे, सब सूख चुका, बहुत तेज धूप आई हुई है. और गोलू क्योंकि आज उसका स्कूल छुट्टी है तो वो मेरे साथ पूजा कर रही है. ऐसे भी वो सुबह रोज पूजा करके जाती है स्कूल, तो आज है तो घर में वो मेरे साथ ही पूजा कर रही है. और आज उसका दिन भर कोई काम नहीं है, वो खाली खेलेगी ही आज. और मंडे से उसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा उसको. उसके बाद शायद समर वेकेशन अगर देगा तो, क्योंकि जुलाई में यहाँ पे देता है समर वेकेशन, जून में यहाँ पे समर वेकेशन नहीं देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है. लेकिन गर्मी तो बहुत तेज अभी है, तो शायद दे दे समर वेकेशन. लेकिन 3 साल से गोलू जा रही है स्कूल, कभी भी जुलाई मतलब जून में समर वेकेशन नहीं देते हैं, हमेशा जुलाई में ही यहाँ पे देते हैं. जुलाई में ज़्यादा गर्मी होता है यहाँ पे, इसलिए तो देखते हैं क्या होता है, स्कूल कैसे टाइमिंग करता है. तो लेकिन मंडे से बट उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसके लिए उसको थोड़ा पढ़ाना भी पड़ेगा. तो बस अभी पूजा करूँगी उसको पढ़ाने के लिए, उसके बाद बिठाऊँगी और फिर उसको पढ़ाने के लिए बिठाने के बाद उधर में खाना भी बनाऊँगी बीच बीच में जाके. तो चलिए देखिए आज का पूरा व्लॉग. गोलू ने लंच कर लिया है, उसके बाद बैठ के वो अपना टीवी देख रही है यहाँ पे. तो चलिए मैंने क्या क्या बनाया है लंच में वो दिखा देती हूँ और मैं लंच भी कर लेती हूँ. गोलू को यहाँ खेलने देते हैं तब तक. गोलू ने खा लिया है, ये मेरा खाना है. राइस बनाया है, फिश करी बनाया है, फिश यहाँ पे, और ये भिंडी और आलू सरसों का पेस्ट दे के ये बनाया है एक सब्जी. नींबू, सूखी मिर्ची और नमक. बर्तन भी पड़ा है, खाना खाने के बाद धोऊंगी. गुल्लू ने खाना खाने के बाद वो बैठ के अपना खेल रही है और देख रही है कार्टून. मैं खा लेती हूँ पहले. लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे ना, तो उसके बाद अभी हम लोग इवनिंग को उठ के देख रहे थे कि बारिश कब आके फिर से जा चुकी है, पूरा हर तरफ गीला हो चुका है, तेज बारिश मतलब आई है. तो हम लोग ऐसे सो गए कि हम लोगों को पता भी नहीं चला कब बारिश आके गया.
तो बस 2 बार बारिश हो गया आज दिन में। लेकिन तो रात को मैं ये डिनर बना रही थी, लेकिन वॉइस जिसमें रिकॉर्डिंग होता है वो पूरा स्लो वॉल्यूम में रिकॉर्डिंग हुआ था, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर थोड़ा दे दिया है इसमें। तो चिकन कोसा बन रहा है और आटा गूंद के इधर मैंने रखा हुआ है। प्लेन रोटी बनाऊंगी और चिकन कोसा और प्लेन रोटी। पंकज घर में आए, फिर वो रेडी होके चले गए, किसी के शादी का रिसेप्शन था तो वो लेट को आएंगे, वहाँ पे वो डिनर करेंगे। तो बस मैंने प्लेन रोटी और चिकन बनाया है, तो अभी हम लोग ये खा लेंगे। उसके बाद बाकी का भी काफ़ी चिकन बचा हुआ है वो मैंने रख दिया है, कल हम लोग खा लेंगे, क्योंकि अभी हम अकेले ही हैं तो इतना तो चिकन नहीं खा सकते। तो चलिए, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।